जो ये कलीसियाएं बनी हैं, बहुत सी कलीसियाएं जो हैं, आप जानते हैं जने कितने प्रकार की कलीसियाएं, आप भी किसी कलीसिया के मेंबर होंगे, उनमें से कोई भी फाउंडर जो है वो कोई भी दूत नहीं है। बिल्कुल मैं आपको साफ शब्दों में बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में और प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंड जो हमने बनाए थे, दूसरे खंड के विषय में बातचीत कर रहे हैं, 7 कलीसियाओं के नाम पत्र। पिछले संदेश में हमने इफिसुस की कलीसिया के 8 भागों के बारे में सीखा था। जी हाँ, इफिसुस की कलीसिया की जो रूपरेखा तैयार करी थी उसके 8 भाग जो थे वह हमने बनाए थे और हमने इफिसुस की कलीसिया के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे स्मुर्ना की कलीसिया के विषय में। जी हाँ, और ये स्मुर्ना की कलीसिया का जो है पहला भाग है, क्योंकि इसके स्मुर्ना की कलीसिया के भी हमने रूपरेखा जो तैयार करी है। और यहां पर हम बात करेंगे पहले पॉइंट के विषय में, जो है पहला भाग के विषय में, स्मुर्ना की कलीसिया के बारे में। स्मुर्ना की कलीसिया के बारे में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 8 से 11 पद तक आप पढ़ सकते हैं, और आप इसको निकाल के भी रखिए, क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं, जब हम किसी संदेश के बारे में सुनते हैं तो हमारी बाइबल जो है वो खुली होनी चाहिए। कलीसिया का नाम और परिचय जो है, इसका जो पहला भाग है, कलीसिया का नाम हमने वहां पर दे रखा, मगर इसके साथ साथ में जो कलीसिया है, स्मुर्ना की कलीसिया, उसका परिचय भी देते हैं। जी हाँ, ये इसके परिचय के विषय में जो है, इसका इतिहास जो है बड़ा अजीबो गरीब रहा है। जब हम स्मुर्ना की कलीसिया के विषय में पढ़ते हैं, कलीसिया जो है स्मुर्ना, ये पश्चिमी एशिया माइनर के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। सबसे पहली बात जो है, आप जानते हैं स्मुर्ना शहर की स्थापना एओलियन द्वारा की गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एओलियन क्या है, आखिर इसको कहते क्या है। देखिए, ये जो है एक प्रकार की हवा होती है। आपने देखा होगा हवा कई प्रकार की होती है, जिसको हम शीतलहर कहते हैं, गर्म हवा कहते हैं, ठंडी हवा कहते हैं, समुद्र की हवा अलग होती है, पश्चिमी हवा अलग होती है, पूर्वी हवा चल रही है वो अलग कहलाई जाती है, तेज तूफान है उसकी हवा अलग है, धीमा है उसकी हवा अलग है। बहुत सी चीजें जो है, हवा का जो होता है बहुत मूल्य जो है इस पृथ्वी के ऊपर है, और अलग अलग उसको नामों से संबोधित किया जाता है। ये जो है ये भी एक प्रकार की एओलियन जो है एक प्रकार की हवा है। इस हवा के अंतर्गत होता क्या, जब आप भू विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे या मौसम विभाग से संबंधित जो है, ये उन हवाओं की क्रिया है जिसके द्वारा जो है कोई, चाहे पृथ्वी के ऊपर ले लीजिए या किसी भी ग्रह के ऊपर, जब इस प्रकार की एओलियन हवाएं चलती हैं तो किसी भी सतह को वो कोई आकार दे देती हैं, किसी भी प्रकार का कोई आकार दे देती हैं। और ये जो है ये सतह का आकार देने वाली हवाओं से संबंधित है यहां पर जो है, और हवा की क्रिया से उत्पन्न तलछट, यहाँ पर तलछट का मतलब होता है जो आधार है जमीन का, जमाव, और इन जमावों की विशेषता वाली तलछट संरचनाओं को भी एलोलियन के रूप में वर्णित किया गया है। जो भू विज्ञान पढ़ेंगे या आप मौसम विभाग से संबंधित बातें पढ़ेंगे उस प्रकार है, और इस प्रकार के संरचनाओं की प्रक्रिया से स्मुर्ना की सतह की स्थापना हुई, जिस पर स्मुर्ना शहर की स्थापना हुई है। ठीक है, हम कह देते हैं कलीसिया, ठीक है, स्मुर्ना की कलीसिया, इफिसुस की कलीसिया, ठीक है, हम उसकी डेट दे देते हैं कि इसका समय इतने समय से इतने समय रहा है, और सिर्फ हम उसी पे चर्चा करते हैं। परंतु इस शहर बना कैसे, ये शहर आया कैसे प्रकाश के अंदर, परमेश्वर कैसे लाया, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने अपनी योजना को जो है पूरा किस प्रकार से करा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जब परमेश्वर इसराइलियों को मिस्र से निकाल कर लाया तो उसने एक ऐसी हवा चलाई जिससे समुंदर के 2 भाग हो गए। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने समुंदर के 2 भाग कर दिए, और यहां पर परमेश्वर वही कर रहा है, इस हवा से ऐसी प्रक्रिया कर रहा है, ऐसी चीज उत्पन्न कर रहा है कि एक सतह जो होती है एक ऐसी सतह में बदल जाती है जो एक शहर के नाम से जाना जाता है, जिसको हम स्मुर्ना शहर कह सकते हैं। लेकिन बाद में इसका नाम जो था आयोनियन जो है, इस शहर का नाम जो है वो रखा गया, ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको, इसका नाम आयोनियन सागर या आयोनियाई
सागर के नाम पर रखा गया। इसके दक्षिण पश्चिम में अल्बानिया, जिसमें संगदा और हिमरा शामिल हैं, और बड़ी संख्या में यूनानी द्वीप हैं। इसमें जो है बड़ी संख्या में यूनानी द्वीप हैं, जैसे कि कोफुर, जाते, कैफोलिनिया, इथाया, लेफकस आदि जो हैं ये द्वीप स्थित हैं। और इन द्वीपों के सामूहिक रूप से आयोनियन द्वीप जो है समूह पुकारा जाता है। ये सागर दुनिया में सबसे अधिक भूकंपीय, यानी यहाँ पर जो है बहुत जो भूकंप की स्थिति जो है, गतिविधियां जो है बहुत ज्यादा इस क्षेत्र के अंदर होती हैं। स्मुर्ना उन 7 शहरों में से एक था जो होमर का जन्म स्थान होने का दावा करता है। देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप कहोगे ये होमर कौन है? इस शहर की वो खूबियां बता रहा हूं मैं आपको, ये पता होना चाहिए कि हम अगर स्मुर्ना के बारे में पढ़ रहे हैं या किसी भी कलीसिया के बारे में पढ़ रहे हैं, सातों में से किसी के, तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब ये होमर क्या है? देखिए होमर जो है एक यूनान का जो है बहुत प्रसिद्ध कवि रहा है, वो कवि रहा है, और जिसकी रचनाएं जो है आज भी उपलब्ध हैं। मगर अब आप कहोगे ये कवि के बारे में क्यों बता रहे हैं? एक खूबी है इस कवि के अंदर जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और जो स्मुर्ना की कलीसिया है ये दावा करता है कि स्मुर्ना से वो जो कवि है वो पैदा हुआ है, क्योंकि ये अंधा था। जी हाँ, ये जन्म से जो था अंधा था, और अंधा होने के बावजूद भी इसने 2 महाकाव्य को, यानी 2 बड़े ग्रंथों को इसने लिखा है, रचना की है उसकी। अब वो कौन से 2 बड़े ग्रंथ हैं जो आज भी प्रसिद्ध हैं और उपलब्ध हैं? इलियाड और ओडिसी, ये 2 नाम के जो ग्रंथ है ये हैं, और ये लगभग 1000 वर्ष पूर्व ईसा से 1000 वर्ष पूर्व जो था ये कवि था, और इसकी ये जो रचनाएं थी इसने लिखी हैं। इसलिए ये फेमस, देखिए जहाँ की कोई चीज फेमस है या कोई प्रसिद्ध है हम उसी का वर्णन करेंगे। जैसे हम अपने भारत देश में देख लें, हमारे भारत देश में बहुत से ऐसे महान व्यक्ति पैदा हुए हैं, बहुत से ऐसे वीर योद्धा पैदा हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने पूरे विश्व को अपना लोहा मनवा दिया। तो उनके जब हम भारत की बात करेंगे तो बहुत से ऐसे नाम आएंगे, तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी होता है कि आखिर क्यों प्रसिद्ध है वो स्मुर्ना जो है। स्मुर्ना जो है एशिया का भाग है ये स्मुर्ना जो है, और ये रोम प्रांत का एक हिस्सा बन गया था, और ये शाही काल में एशिया माइनर में सम्राटपन के सबसे मजबूत केंद्रों में से था। यानी रोम के जो सम्राट रहे हैं उनका जो था ये केंद्र बिंदु था, बहुत मजबूत केंद्र बिंदु बना है स्मुर्ना की कलीसिया का। 1ली शताब्दी के अंत तक वहां एक ईसाई जो था मसीही समाज का एक चर्च स्थापित किया गया था पौलुस के द्वारा। जी हाँ, पौलुस के द्वारा जो है वहां पर स्मुर्ना की कलीसिया जो है स्थापित की गई थी। चर्च का मतलब बिल्डिंग नहीं है, अक्सर लोग चर्च का मतलब बिल्डिंग समझ लेते हैं। वहां पर जो था विश्वासियों का एक समूह की स्थापना की गई थी पौलुस के द्वारा। जी हाँ, इसलिए उसको स्मुर्ना की कलीसिया कहते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि स्मुर्ना की कलीसिया का जो मतलब है, यानी विश्वासियों के समूह को जो है हम चर्च कहते हैं या कलीसिया कहते हैं। बिल्डिंग को चर्च या कलीसिया कदापि नहीं कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर आपके पास एक अच्छा चर्च है और वहां पर कोई भी मसीह विश्वासी नहीं है या नहीं आता है या वहां पास्टर्स भी नहीं है, तो उस चर्च को आप चर्च कैसे कह सकते हैं? क्योंकि चर्च हमेशा, कलीसिया हमेशा लोगों से होती है, विश्वासी लोगों से होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा दूसरा जो इसका भाग है, जो पॉइंट है, स्मुर्ना की कलीसिया का अर्थ क्या है। देखिए स्मुर्ना की कलीसिया का जो अर्थ है वो लोबान है। जी हाँ, लोबान, और इसका जो एक अर्थ और भी है, मीठी सुगंध इसको कहा गया है। 2 चीजें हैं, मीठी सुगंध और जो है लोबान कहा गया है। और लोबान के विषय में अगर आप पढ़ेंगे, आप मती 2 अध्याय उसका 11 पद पढ़ेंगे, तो 3 मजूसी, जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ तो 3 मजूसी आए और अपने साथ क्या लाए थे? सोना, मुर और लोबान। देखिए उसके साथ में वो लोबान भी लेकर आए थे। लोबान आखिर क्यों लेकर आए थे? लोबान जो है समर्पित है, किसके लिए समर्पित होता है? ईश्वर को। हमेशा ध्यान रखिएगा, लोबान की जो प्रक्रिया होती है, लोबान जो इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है,
खास तौर से आप देखना मंदिरों में या चर्च में या परमेश्वर के वेदी पर लाकर जो है लोबान का धूप जो है वो जलाया जाता था और पवित्र स्थान में लोबान जो है वो रखा जाता था और वो कंटिन्यू जलता रहता था। यानी ईश्वर से संबंधित है, ईश्वर को समर्पित है, ईश्वर को चढ़ावा है कि आप ईश्वर को चढ़ा रहे। तो यहां पर स्मरणा का जो मतलब है लोबान, यानी वो किसके प्रति समर्पित है, वो ईश्वर के प्रति समर्पित है। स्मरणा की कलीसिया के लोग उन्होंने अपने आप को ईश्वर के हाथ में सौंप रखा, परमेश्वर के हाथ में सौंप रखा है, वो परमेश्वर के लिए हमेशा जो है समर्पित हैं। तो इसलिए जो है, और वो एक परमेश्वर के लिए क्या है, एक मीठी सुगंध है। जी हाँ, परमेश्वर के लिए एक मीठी सुगंध है। और इस मीठी सुगंध के बारे में, एक स्वाद के बारे में मैं एक पद पढ़ना चाहूंगा, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, दूसरा कुरंथियों 2 अध्याय और उसका 16वां पद है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, ठीक है, गंध समझते हैं सब आप, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध, भला इन बातों के योग्य कौन है। देखिए पौलुस बिल्कुल साफ शब्दों में कुरंथियों में कहता है, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध, भला इन बातों को कौन, इसके योग्य कौन है। देखिए परमेश्वर की जो सुगंध है, यीशु मसीह, देखिए जीवन कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। अब जीवन जब प्रभु यीशु मसीह है, जब वो जीवन हमारे अंदर आता है, जब हम जीवन को अपने अंदर लेते हैं, अपने शरीर में लेते हैं और यीशु मसीह हम में होकर चलता है, तो क्या होता है, उसकी सुगंध हम में से निकलकर लोगों तक पहुंचती है। देखिए सुगंध का मतलब क्या होता है कि जो भी सुगंध, आप खाना बना रहे हैं, बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं, मोहल्ले पड़ोस में उसकी सुगंध जा रही है, मोहल्ले पड़ोस के लोग क्या कहते होंगे, कभी कभार कहते हैं यार बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, कहाँ से आ रही है, इस घर में से आ रही है, क्या बन रहा है। तो बहुत से पड़ोसी आपसे पूछ भी लेते होंगे, भाई क्या बना रहे हो, आज तो बड़ी सुगंध आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है। ऐसे ही हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, मसीह की सुगंध जो है वो होनी चाहिए, और वो सुगंध सिर्फ हम तक सीमित नहीं होनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इस स्मरणा की कलीसिया की सुगंध आज हम तक पहुंच रही है, ध्यान दीजिएगा, इस स्मरणा की कलीसिया की सुगंध हम तक पहुंच रही है। और इस स्मरणा की कलीसिया की जो सुगंध थी, क्योंकि उनके अंदर, उनके जीवन में, उनके बीच में, उनके समक्ष जो है मसीह की उपस्थिति जो थी 24 घंटे रहती थी, और इसलिए मसीह की उपस्थिति उनके अंदर होने के कारण जो मसीह की सुगंध थी, वो जीवन की जो सुगंध थी, वो लोगों तक पहुंची। और बहुत से लोग जो थे, बहुत से लोगों ने मसीह को ग्रहण करा और विश्वासी बने। यह सुगंध होनी चाहिए आपके अंदर। यह नहीं है कि हम मसीह हैं, हम मसीह हैं, हम मसीह के लोग हैं, ये कहने से नहीं होता है, बल्कि आपके काम, आपके सोच, आपके विचार, आपका उठना बैठना, आपका खाना पीना, आपकी बोल चाल और आपका चलना फिरना, ये सब इस बात को प्रकट करता है कि आप मसीह के हैं। आपका बोलना अलग है, आप कितना कहो कि हम मसीह हैं, हम बचपन से मसीह हैं, हमने बैप्टिज्म लिया, मगर मसीह की बोल चाल यानी मसीह की जो भाषा है वह आपके जीवन में नहीं दिखाई दे रही, मसीह का चाल चलन आपके जीवन में नहीं दिखाई दे रहा, मसीह के सोच विचार आपके जीवन में नहीं दिखाई दे रहे, मसीह की जो लैंग्वेज है, जो भाषा थी, वो आपके जीवन में नहीं दिखाई दे रही, तो किस बात के मसीह? क्योंकि वो सुगंध जो है वो लोगों तक पहुंचती है, बातें नहीं पहुंचती है, जो क्रिया आपके जीवन से दिखाई देती है लोगों को, उस क्रिया का प्रभाव लोगों पर पड़ता है, आपकी बातों का प्रभाव इतना नहीं पड़ता है। आप बातों का प्रभाव पड़ेगा, यार बड़ी अच्छी बात कही है, परंतु वो सिर्फ वहीं तक सीमित होती है, परंतु जब आपके जीवन का प्रभाव, आपके चाल चलन का प्रभाव, आपके सोच विचार का प्रभाव, आपकी बोलचाल का, आपकी भाषा का, आपके उठने बैठने का, आपके खाने पीने का प्रभाव जब उन पर पड़ता है, तब कहते हैं सच में ये जो है, ये व्यक्ति है, जो कुछ है, ये मसीह है। क्योंकि चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए, क्यों कहलाए, इसी वेश में कहलाए, उन्होंने ढिंढोरा नहीं पीता कि हम मसीह हैं, उनका वेश था, क्योंकि मसीह की शिक्षा, मसीह का चाल चलन, मसीह के सोच विचार उनके जीवन से दिखाई दे रहे थे। और यही बात जो है इस स्मरणा की कलीसिया के अंदर जो है वो दिखाई देती है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि स्मरणा की कलीसिया का तीसरा पॉइंट है, स्मरणा की कलीसिया का जो समय काल है या युग है, वो है समय काल रहा है 100 AD से लेकर 313 AD तक। जी हाँ,
100 AD से लेकर 313 AD तक जो है वो स्मरणा की कलीसिया का समय काल रहा है। और 313 AD जो है ये उस समय जो था कॉन्स्टेंस फर्स्ट जो राजा था वो उसने मसीही लोगों को स्वतंत्रता दे दी थी। जी हाँ, मसीह लोगों को जो थी वो स्वतंत्रता उसने दे दी थी। तो ये समय काल को ध्यान रखिएगा। अब हम करते हैं चौथे पॉइंट के, स्मरणा के कलीसिया के दूत का नाम। देखिए, अब हम दूत की जब हम बात करते हैं तो यहां पर जरा एक बात को विशेष तौर से ध्यान रखें कि इस हम लोग ये बात करते हैं कि दूत की विषय में बात करते हैं कि स्मरणा के कलीसिया का दूत कौन है। अब जब हम दूत की बात करेंगे तो 100 AD से लेकर 313 AD तक का कितना समय होता है? कम से कम लगभग 213 वर्ष होते हैं। जी हां, अब इन 213 वर्ष में जो स्टार्टिंग में यानी 100 AD के स्टार्टिंग में जो दूत स्थापित किया गया होगा उस दूत की चर्चा जो है वो होनी चाहिए, नंबर एक बात। और वो दूत के द्वारा दूसरा जो दूत आया होगा जो प्रभु ने नियुक्त करा होगा वो उसके सोच विचारों के अनुसार, उसके चाल चलन के अनुसार अगर चल रहा है या उसने सुधार कार्य नहीं करा है तो सारे क्लेम सारी बात उसके ऊपर आ जाती है। मगर ये दूत जो होते हैं ये प्रभु की ओर से नियुक्त होते हैं। मगर हम क्या करते हैं, हम लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोगों ने इस संसार के जो लोग हैं जो सेवक रहे हैं खासतौर से कलीसिया के जो फाउंडर रहे हैं उन्होंने अपने अपने फाउंडरों के नाम जो है वो दे दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, बहुत जब आप बहुत से नाम पढ़ोगे तो यूरोप के नाम, यूरोप से जो है बहुत से दूतों के नाम आए हैं, बहुत से सेवकों लोगों ने अपने अपने सेवकों के जो नाम धरे हैं। स्मरणा की कलीसिया का जो सेवक है वो यूरोप से, देखिए यूरोप से तो पहली बात कभी होगा नहीं कोई दूत, सीधी सी बात मैं आपको बताना देना चाहता हूं, वो दूत होगा सिर्फ एशिया से होगा। और वो दूत जब एशिया से होगा तो उसके अंदर दो चीजें होंगी, या तो वो यहूदी होगा या वो इज़राइल में से होगा, यानी यहूदा के गोत्र से होगा या वो इज़राइल के किसी भी गोत्र से, खासतौर से लेवी गोत्र से वो होगा। और दूसरी चीज क्या है, उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो प्रेरित होगा, क्योंकि कलीसिया के अंदर जो है वो बहुत से पद जो है पौलुस ने नियुक्त किए हैं। पौलुस अपनी पत्रियों में लिखता है, मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, वो पौलुस जो है वो लिखता है इस बारे में कि उसने जो नियुक्त करे हैं और उसमें जो सबसे ऊपर है वो प्रेरित है। और जितने भी यीशु मसीह के जो 12 चेले थे वो सब प्रेरित कहलाए। जी हाँ, वो प्रेरित होंगे क्योंकि प्रेरित भी भविष्यवक्ता में आते हैं, वो भविष्यवाणी भी करते हैं, चंगाई भी करते हैं और प्रेरित का काम भी करते हैं, रखवाले का भी काम करते हैं, उनके अंदर वो सारी क्वालिटियां सारी खूबियां जो हैं वो होती हैं। आप चेलों के विषय में पढ़ लीजिएगा, वो सब कुछ मिल जाएगा। पौलुस भी प्रेरित था और पौलुस के अंदर भी ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। मगर स्पेशली अगर आप अलग से भविष्यवक्ता हैं तो आप कभी भी किसी कलीसिया के अगुवा नहीं हो सकते हैं। जी हाँ, परमेश्वर का वचन जो बताता है आपको प्रेरित होना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला कुरंतियों 12 अध्याय उसका 28 वचन है, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। ध्यान दीजिएगा, कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किया। प्रथम शब्द आया, देखिए प्रथम का मतलब होता पहला, फर्स्ट, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। ये हैं, और भी बहुत से हैं चीजें हैं जो रोमियो में, कुरंथियों में, तिमिथियों में और कई जगह जो है पद दिए हुए हैं, परंतु सबसे ऊपर जो है वो प्रेरित हैं क्योंकि उसे प्रेरित होना चाहिए। परमेश्वर का वचन जो सिखाता है हमें उसके अनुसार करना चाहिए। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, हम लोग कहते हैं ना पास्टर और रेवरन, रेवरन क्या होता है, रेवरन क्या होता है, यानी वो स्वर्गीय जो दूत होता है। रेवरन कोई प्रेरितों में नहीं आते हैं, आप बहुत से रेवरन लगा लेते हैं, बहुत से पास्टर लगा लेते हैं। पास्टर क्या, पास्टर का मतलब क्या होता है, रखवाले, आप सिर्फ रखवाले हैं। और अगर आपको काम सौंपा गया है तो आप प्रेरित का काम कर रहे हैं, आपको प्रेरित का काम करना है। और प्रेरित के काम क्या हैं ये फिर कभी बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा विषय हो जाएगा, कभी रेवरन के विषय में भी आपसे बातचीत करूंगा। मगर यहां पर जो है परमेश्वर वो जो कलीसिया का, किसी भी कलीसिया का जो दूत होगा वो प्रेरित होगा।
और उसके पास सारी पवित्र आत्मा की सारी क्वालिटी जो है, जो पवित्र आत्मा के प्रत्येक फल, पवित्र आत्मा के प्रत्येक वरदान, पवित्र आत्मा के प्रत्येक हथियारों से, वो पवित्र आत्मा की सारी सामर्थ्य से वो जो है वो परिपूर्ण होगा। ये ध्यान देने की बातें हैं। और हम लोग जो हैं, किसी को भी हम लोग प्रभु का सेवक जो है प्रभु का दूत करके नियुक्त कर देते हैं। और ये दूत जो है, ये हम लोग जो नियुक्त करते हैं कि साहब फलाना है, दिमाग आगे मैं आपको उन दूतों के भी नाम बताऊंगा कि कौन कौन से रहे हैं। मगर स्मरणा की कलिसिया या आप और भी दूत के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ इफिसस की कलिसिया का दूत का नाम जो है बाइबल के अंदर मेंशन किया गया है या आया है, परंतु और जब आप आगे टाइम पीरियड को पढ़ेंगे, सातों कलिसियाओं के विषय में पढ़ेंगे, इफिसस की कलिसिया को छोड़ के बाकी छह कलिसियाओं के, उनके दूतों के नाम जो है मेंशन नहीं किए गए हैं या दिए नहीं गए हैं, वो गुप्त रूप से रखे गए हैं, परंतु वो गुप्त है। मगर जो मैं आपको बता रहा हूं कि वो किस तरीके के दूत होंगे और कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, उनकी क्वालिटी क्या होगी, वो मैंने आपको बताई है। वो जो ये कलीसियाएं बनी हैं, बहुत सी कलीसियाएं जो हैं, आप जानते हैं जने कितने प्रकार की कलीसियाएं, आप भी किसी कलीसिया के मेंबर होंगे, उनमें से कोई भी फाउंडर जो है वो कोई भी दूत नहीं है। बिल्कुल मैं आपको साफ शब्दों में बताना चाहता हूं कि उनमें से कोई भी दूत नहीं है। इसलिए धोखे में ना रहें कि लोग ये समझे कि नहीं साहब हमारी कलीसिया का जो वो फाउंडर है, जिसने इस कलीसिया की स्थापना करी, वो दूत, वो आपकी कलीसिया का दूत हो सकता है, मगर स्मरणा की ये जो समय काल है, सातों कलीसियाओं का दूत इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं हो सकता। वो आपकी कलीसिया का पर्सनल, आपकी कलीसिया का या पर्सनल आपका दूत हो सकता है, परंतु अगर हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे तो वो जो है वो परमेश्वर का दूत नहीं है, या इन सातों कलीसियाओं में से किसी भी कलीसिया का दूत नहीं हो सकता है वो। ये ध्यान देने की बातें हैं और इसको ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक कलीसिया का जो प्रथम दूत होगा, ये पत्र उसी के नाम होगा लिखा है, और उसके बाद चाहे कितने भी दूत आ जाएं, क्योंकि प्रथम दूत भी की जो शिक्षा है, जैसे मैं बता चुका हूं, वो इस कलीसिया काल के आरंभ से होकर एंड तक पहुंचती है, और जिनकी शिक्षा उनके नियम पर आधारित होती है, ये समय जो है इसको समझना चाहिए। लास्ट में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। अब आप कहेंगे कि तिमुथियुस कैसे इफिसस की कलीसिया का दूत है, ये मैं थोड़ा सा आपको एक पढ़कर जो है और समाप्त करना चाहूंगा। यहां लिखा प्रेरितों के काम और उसका 16 अध्याय और 1-2 पद तक। अब यहां ध्यान दीजिएगा, फिर वे दिर्बे और लुस्त्रा में भी गया, वहां तिमुथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी। वे लुस्त्रा और इक्यूनियम के भाइयों में सुनाम था। सबसे पहली बात क्या था, उसकी मां जो थी वो यहूदी थी, और जो तिमुथियुस था, जो इफिसस की कलीसिया का दूत है जिसको हमने क्लियर करा है, तो वो जो था उसके अंदर जो खूबी आई थी वो अपनी मां से आई थी, और वो यहूदी था, और यहूदी के सारी व्यवस्था, सारी चीजों को जानता था, और उसने सीखा था, और उसने जो था वो एक स्टूडेंट भी रहा है, और उसने व्यवस्था का पालन किया और उस व्यवस्था को ग्रहण करा है उसने, और इसलिए जो है वो व्यवस्था का अच्छा जानकार था, उसका खतना भी हुआ है, और उसने मसीह को भी ग्रहण करा है, और वो इफिसस की कलीसिया का दूत रहा है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि तिमुथियुस जो है वो इफिसस की कलीसिया का दूत है। बाकी अगर आप कोई और नाम देंगे कि अमेरिका का है, इंग्लैंड का है, जर्मन का है, जापान का है, नहीं, ये कोई दूत नहीं है, और खास तौर से यूरोप से कोई दूत नहीं होगा इन सात कलीसियाओं में से। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बने रहिए और स्मरणा की कलीसिया के विषय में और हम सीखते हैं। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।